एनडीटीवी है सर। गुड नेम सर? आशीष कुमार सर। मंडी की सफाई व्यवस्था के लिए क्या आपने दस्तावेज किए हैं? मंडी के सफाई के लिए टेंडर्स द्वारा सफाई कराई जा रही है, अच्छी कीमत दी जा रही है उनको, और जहाँ भी जैसी भी कमी होती है उसको कमी को देख के दूर कराया जाता है। अगले नालियाँ चौक हैं, इस गंदगी के बीच में कैसे बैठे रहते हैं आप? तो आप धंधा करना है, रोजी रोटी का सवाल है, इससे भी ज़्यादा गंदा होगा तो वहाँ भी बैठना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं होती इस गंदगी के बीच? परेशानी तो होती है जी, और उसके लिए कोशिश भी की जाती है। अब हमारे सचिव महोदय प्रयास करते हैं पहले की अपेक्षा, फिर भी आप समझ लीजिए फिर भी बहुत सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हालात ये हैं कि अभी 2-3 दिन की छुट्टी की वजह से कुछ लेबर नहीं है, कुछ वहाँ का व्यवस्था भंग हो गई है। वैसे सुचारू रूप से होती थी, अब इस समय थोड़ी सी ज़्यादा ही गंदगी है, परेशानी ज़्यादा है, वो सामने ही है अपने। अच्छा, ये पीछे हम देख रहे हैं बहुत गंदगी है दुकानों से। वहाँ गंदगी इसलिए कि वो तो कूड़ा खाना बना हुआ, यहाँ का जो कूड़ा कलेक्ट होता है वो सारा का सारा उधर ही इकट्ठा कर दिया जाता है दुकानों के सामने। हाँ, वो दुकान है उधर है बैक में, हाँ वहीं पे वो इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ से फिर अपने बाद में जाता आता रहता है। तो दुकानदारों को तो परेशानी होगी बहुत। बहुत परेशानी होती है, लेकिन चक्कर ये ना उस तरफ थोड़ा है, दुकानें हैं, लोग जाते हैं, लेकिन उतना कम मतलब यूज़ करते हैं, की दुकान है खाली पड़ी इस तरह।